नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। वाराणसी जिले के संपूर्ण जनहित विकास फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा शिवपाल शर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा 12 दिनों से भोजन सामग्री के 200 पैकेट गरीब मजदूरों में अलग अलग क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली चंदौली जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति भी मौजूद रहे। एक झलक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है, उसमें हम बनारस के जो संपूर्ण जनहित विकास फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके द्वारा ये जिम्मेवारी उठाए हैं कि सोशल दूरी जो है उसको मेंटेन किया जाए। और इसके लिए हमने लालपुर जो चौकी है, थाना है, बनारस का एक क्षेत्र है, वहाँ पे 85 ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया है जिनको हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। इसके लिए हमने कुछ उनके लिए राशन की व्यवस्था किया है, जिसमें 5 किलो आटा है, 7.5 किलो चावल है और नमक है, उसके बाद तेल है, दाल है, साबुन है, मसाला है, उसके बाद आलू और प्याज है, जिसको देने के द्वारा हम चाहते हैं कि वहाँ के जो 85 परिवार है, चिन्हित परिवार हैं, वो पूरी तरह से इस कोविड-19 से बच सके और आने वाले दिनों में 3 तारीख तक उनके पास पर्याप्त राशन रहे, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को अपने घर में रहते हुए यापन कर सके। धन्यवाद।